ज्ञानी असगर थे, नौशाय करबला थे, नौजवान चित्त रसूल थे, अल्लाह का ज़ैनब थी, अल्लाह का सकीना थी, हजरत अलमदार अब्बास थे, ये वो नफूस कुदसिया थे जिन्होंने खयामत तक के लिए हर मुसलमान के ईमानों को खरीद लिया, हर मुसलमान के ईमानों को खरीद लिया, हर मुसलमान का ईमान इनके घरों में गिर ही पड़ा है, हर मुसलमान का ईमान को इन्होंने खरीद लिया है। अलमदार अब्बास बासुकत अब्बास के उस मंदिर को याद करो, उस मिश्किजे को याद करो जिसके अंदर पानी तो है लेकिन अलमदार अब्बास उस पानी को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। 4000 का लश्कर एक ही अलमदार अब्बास है। नवासे रसूल की जात को सोचो, उस मंदिर को महसूस करो, देखो कि हालात क्या थे। ये सिर्फ बोलने और बताने की बात नहीं है मेरे भाई, बोलने की या लोगों को जमा करके तकरीर करने की बात नहीं है, ये तकरीर कर लोगों के दरमियान में जो है वाह वाह जो है हासिल करना मकसद नहीं है। अगर यहाँ इस खानखा में हर साल जो है अगर याद हुसैन मनाई जाती है तो जिंदगी के हर लम्हे में केदार हुसैन को समाने के लिए मनाई जाती है। हुसैन से मोहब्बत जिंदगी के हर लम्हे के लिए जो है अपनी जिंदगी का जो है मुबारक पहलू समझा जाता है, हर लम्हे को जो है अपनी जिंदगी के लिए मुबारक समझकर जो है मनाने की कोशिश की जाती है, हासिल करने की कोशिश। मोहतरम इमाम आली मुकाम की मोहब्बत अपनी औलादों की कुटियों में पूरो दे। दुनिया से अब कोई शख्स करोड़पति माल रखने वाला शख्स जब दुनिया से जाता है तो अपनी औलादों के लिए विरासत छोड़ा जाता है, माल दौलत के अंबार छोड़ा जाता है, लेकिन कसम खुदा की वो बाकी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो विरसे में तुम अगर कोई चीज छोड़ना चाहते हो तो वो हुसैन की मोहब्बत छोड़ो, वो हुसैन की मोहब्बत छोड़ो जिसकी जिंदगियों में किरदार हुसैन आ गया, यकीन जानो अल्लाह उसे रसूल की बारगाह में वो शख्स सुरखुरू और कामयाब हो गया, सुरखुरू और कामयाब हो गया जिसने किरदार हुसैन को अपना लिया। जज़ाने मोहतरम हम अपनी जिंदगियों का मिशन बना, हम अपने हलके में मोहब्बत हुसैन पैदा करें, अपने घरों से हम जो है इसकी इब्तिदा करें, हम अपने घरवालों को पहले बताएं कि ज़ाते हुसैन क्या है, किरदार हुसैन क्या है। हुसैन अलैहिस्सलाम दीन की पनाह है, यह बात जो है हम अपनी औलादों के बुद्धियों के अंदर पूरे दें, विरसा बनाकर उनको दे ताकि कल हशर के मैदान में जब हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हो तो हमारी औलाद ये कहे कि मौला मेरे वालिद ने मुझे ये किरदार अदा किया है, मेरे वालिद ने मेरे जन्म के साथ मेरे कान में जहां आजादी जहां अकामत बनी वही मेरे कानों के अंदर हुसैन हुसैन की सदाएं जो है बसा कर रख दी। मोहब्बत हुसैन मेरे दिल में अगर कोई ने किसी ने दिया है तो वो मेरे वालिद ने दिया, मेरी मां ने दिया है। हम समझ जाए इस बात को कि हुसैन के मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्ला बला वाखिर दावा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह ताला कल हम जो ठीक 9:30 बजे आगाज करेंगे तो जो फिर इंशाल्लाह बराबर 10:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। आप हजरात के लिए जो है